देख रहे हैं पूरा झोला फूल करके लाए हैं और गाड़ी भी पूरा फूल है। देखिए काफी सारा सामान लाए हैं दोस्तों नया घर के लिए, ये देखिए। और इधर देखिए दोस्तों न्यू घर के लिए कितना सारा सामान लेकर के आए हुए हैं। ये देखिए, ये रहा पाइप, ये रहा राशन का सामान। चलिए सबको अब उठाइए अपना अपना सामान। देखिए इतना सारा सामान लेके आ गए हम लोग नया घर के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग कल का वीडियो में देखे कि पूरा एकदम धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाए राम प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और अभी सुबह सुबह देखिए हम लोग लग गए हैं सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी में, है ना जी। भात हम लोग का बन गया है दोस्तों और अभी हम लोग साग काट रहे हैं। आज हम लोग का बनेगा दाल भात और साग की भुंजिया, ना जी। हाँ, आलू भुंजिया और साथ में आलू भुंजिया भी रहेगा दोस्तों। मतलब तीन चार आइटम रहेगा आज हम लोग का, क्या जी। हाँ। चलिए तो अभी हम लोग साग काट ही रहे हैं, साग वगैरह काट लेते हैं, उसके बाद में फिर भूंजते हैं इसको बढ़िया तरह से। और इधर देखिए लक्ष्मी को पूरा एकदम खेलने में लग गई है। लक्ष्मी आज भी खुशियां मना रही है, आज भी दिवाली है मियाँ, आज भी दिवाली है ना। हाँ देखिए मुंडी हिला रही है। तो हम लोग फटाफट साग वगैरह काटते हैं दोस्तों और भूनते हैं बढ़िया तरह से। ये सरसों का साग है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आज इसी का भुंजिया बनेगा, क्या जी। देखिए कितना अच्छा पत्ता है, एकदम पूरा हरा भरा, एकदम ताजा साग है, अभी बारिश से कुबाड़ करके लाए हैं, एकदम प्योर हरियर हरियर दिख रहा है। और उधर देखिए दोस्तों लक्ष्मी और पिताजी लगे हुए हैं पपीता छोलने में, नाश्ता करेंगे, नाश्ता की तैयारी हो रही है। ये देखिए कितना मस्त पपीता है, देखिए पिताजी क्या ही मस्त पपीता छोल रहे हैं, पूरा एकदम पाक करके पीला हो गया है, क्या पिताजी। एक नंबर लगेगा तो। लक्ष्मी कैसा बैठा ला देखते हैं, मस्त से बैठा है खाने के लिए, खाने के लिए। चलिए इसको बढ़िया से छोलिए एकदम और धो लीजिए, ये वन का छोलेंगे। लक्ष्मी अभी नहीं सुनेगी, अभी पपीता खाएगी, पपीता पाकल पपीता। इधर तो पपीता वगैरह काटा ही रहा है दोस्तों, उधर कविता जी भी लगे हुए हैं साग चीरने में। तो चलते हैं, जो बना हुआ है वो सबको खा लेते हैं, यानी दाल और भुंजिया बन गया है आलू का भुंजिया, तो खाते हैं और निकलते हैं थोड़ा बाजार, क्योंकि कुछ कुछ सामान ना घट गया है मिस्त्री लोग को, तो वो सब सामान ला देंगे। और पाइप भी एक तो फट गया है जो पानी पटाते हैं वो वाला, तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। तो हम आते हैं जल्दी से तैयार होकर के। खाना खा लीजिए ना, के बाद तैयार होगा। अच्छा खाना खा ही ले। हाँ। अच्छा तो खाना पहले खा ही लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में तैयार होंगे और सीधे निकल जाएंगे। चलिए लगा दीजिए, तो हम इधर ही बैठते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं जल्दी से और निकलते हैं। देखिए खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना, भात और आलू का भुंजिया और दाल आ गया है, अब फटाफट खाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों पपीता भी कट गया है और अच्छा तरह से पिताजी धो भी लिए हैं, देखिए कितना फ्रेश एकदम पपीता है, पूरा एकदम पीला पीला दिख रहा है। और इधर देखिए लक्ष्मी को अभी खाने के लिए खोज रही है, खाओ खाओ खाओ, उधर खाओ बैठ करके, जाओ जाओ वहाँ बैठो, वहाँ भात खाएगी। अच्छा लो, तो अब जल्दी जल्दी खाते हैं दोस्तों। खाओ खाओ उधर खाओ। तो खाना पीना खा लिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा बाल वगैरह झाड़ लेते हैं, कपड़ा तो पहले ही पहने हुए हैं, जैकेट वगैरह सब लगा ही है, अब चलते हैं फटाफट बाल वगैरह झाड़ करके निकलते हैं। तो हम आ गए ये वाले घर पे और देखिए इधर कंघी वगैरह रखा हुआ है, अब फटाफट बाल वगैरह झाड़ते हैं। बाल वगैरह सब झाड़ लिए, अब चलते हैं सीधे, झोला एक उठाते हैं और निकलते हैं फटाफट। तो झोला वगैरह ले लिए हैं दोस्तों और देखिए पिताजी भी रेडी हो गए हैं, पिताजी को भी लेते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना छाटना पड़ता है, छाटना पड़ता है, नहीं तो कैसा नहीं देगा, नहीं दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, पाइपों में मोटा पतला हो जाता है, फिर बाद में घुमा फिरा करने में पूरा दिक्कत हो जाता है, इसलिए पिताजी को भी ले लिए हैं, यही छाँट करके लेंगे। चलिए पिताजी बैठिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो डिक्की के अंदर में हेलमेट है दोस्तों, उसको निकाल लेते हैं, इसको पकड़िए, तो
लगा दीजिए। हेलमेट लगा लेते हैं ना तो पूरा सुरक्षित महसूस होता है, हवा भी नहीं लगता है। क्या पिताजी? हाँ, सुरक्षा के लिए है ये है। हाँ चलिए बैठिए, सुरक्षा के लिए ही ना दिया। तो अब हम लोग चले दोस्तों बाजार, दोनों बाप बेटा। क्या पिताजी? चलिए तो हम लोग घर से निकल गए हैं दोस्तों, अब सीधे बाजार चलते हैं। चलिए अब फटाफट बाजार। तो बाजार हम लोग पहुंच गए दोस्तों, अब चलते हैं जल्दी से पाइप लेते हैं और निकलते हैं। आइए पिताजी, तो पाइप दीजिएगा भैया। कौन सा पाइप दे? पानी पटाने वाला दीजिए ना, क्यूरिंग पाइप। नहीं नहीं, वो छत पटाने के लिए। एक इंची वाला टुलू पंप चलाना है? हाँ टुलू पंप है, ये एग्रीकल्चर वाला मशीन है। हाँ हाँ बढ़िया ओरिजिनल वाला दीजिए तो एकदम। हाँ सामान एकदम सब कुछ यहाँ है अवेलेबल। हाँ सब चीज़ अवेलेबल है, पूरा बेसिन वगैरह है, इधर मशीन है, इधर और भी सामान है। ये देखिए पाइप निकल गया, क्यूरिंग पाइप। ये वजन वाला है ना? अच्छा चलिए, 50 ग्राम ये ओरिजिनल पाइप है। अच्छा 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 चलेगा ना। अगला बार लेके कहाँ खराब है आपका? अगला बार लेके है ना? हाँ ले गए, वो तो खराब नहीं है, वो बढ़िया चला है। एक तो फट गया है जो पहले लेके है ना, वो वाला फट गया। मजबूत तो लग रहा है एकदम, पूरा 1 इंची का है। अच्छा तो पाइप हम लोग ले लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं। चलिए पिताजी चलिए आइए। ठीक है अंकल, जय श्री राम। जय श्री राम। पकड़िए और हेलमेट दीजिए। चलिए बैठिए, तो हम लोग निकलते हैं दोस्तों फटाफट घर। तो अभी आए हैं दोस्तों सब्जी बाजार तरफ, तो सोच रहे हैं कि टमाटर वगैरह ले लेते हैं। देखिए इधर पूरा एकदम ताज़ा टमाटर है। कैसे दे रहे हैं चाची? ए चाची कैसे किलो बिलाती? 20। देखिए पूरा एकदम ताज़ा टमाटर है, पूरा लाले लाल। हाँ दीजिए चाची, 2 किलो दीजिए। हाँ गोभी भी ले रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम मस्त गोभी है, देहाती वाला लीजिए। अच्छा कम है वह है, डाल दह नहीं नहीं सब सही है, कम किनाल दबा। तो सब्जी वगैरह भी सब ले ही लिए हैं दोस्तों, देखिए गोभी लिए हुए हैं, बंधा गोभी और मिर्चा लिए हैं, टमाटर लिए हैं, सब हो गया है। अब चलते हैं सीधे, गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं सीधे घर। पिताजी किधर लगा दिए हैं, देखिए इधर आगे पिताजी लेके आए हैं गाड़ी। इसको यहाँ पर रख दिए? अच्छा इसको भी यहीं पर टांग देते हैं। लीजिए टांगिए, चलिए बैठिए। हाँ यहीं रहेगा, तो यहाँ पर सेफ है। तो घर हम लोग पहुँच गए दोस्तों, काफी सारा सामान लिया हम लोग। क्या पिताजी? हाँ चलिए बहुत देर में। हाँ देख रहे हैं पूरा झोला फुल करके लाए हैं और गाड़ी भी पूरा फुल है ना भाई, मेरा पाइप है का? पाइप है वो। देखिए काफ़ी सारा सामान लाए हैं दोस्तों नया घर के लिए। ये देखिए आते समय हम लोग राशन का भी सामान ले लिए हैं दुकान से। क्या पिताजी? एक झोला लाए हैं, इसमें भी हम लोग का है सामान, शराब है, गोलकी पाउडर है, डिक्की में है, चारों तरफ भर के लाए हैं। यहाँ भी है जी। चलिए देखिए यहाँ भी तेल है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हेलमेट उतारते हैं, इसको रख देते हैं। रख दीजिए।
यहाँ टांग देते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, न्यू घर के लिए कितना सारा सामान लेकर के आए हुए हैं। ये देखिए, ये रहा पाइप, ये रहा राशन का सामान, और इधर देखिए यहाँ भी सामान है, सरफ है, गोलकी है, सारा सामान लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग दोनों बाप बेटा मिल करके काफी सारा सामान खरीदे हैं दोस्तों। चलिए सबको अब उठाइए अपना अपना सामान। देखिए इतना सारा सामान लेके आ गए हम लोग नया घर के लिए, क्या जी? हाँ। पूरा एकदम जम करके मार्केटिंग किया है दोस्तों दोनों बाप बेटा मिल करके एकदम। क्या पिताजी? झोला फुल कर दिए हैं, पूरा झोला फुल कर दिया है, उधर बोरा फुल कर दिया है, इधर देखिए हाथ फुल हो गया है पाइप से। क्या चलिए घुसाइए, अभी इधर ही रखिए। हाँ भाई, बाद उधर पहुँचा देंगे मिस्त्री लोग को। हाँ, तब बढ़िया तरह से घर पहुंच गए दोस्तों। सुबह निकले हुए हैं खाना पीना खा करके, उसके बाद में देखिए शाम हो गया आते आते, इतना ज्यादा मार्केटिंग करना था। तो चलिए अब शाम तो हो ही गया, अब चलते हैं हम लोग, फिर हाथ मुंह धोते हैं और थोड़ा मोड़ा खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में फिर कुछ काम वगैरह करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों पैर हाथ धोने के लिए, और इधर देखिए कविता जी अभी पानी भर रहे हैं मशीन चालू करके, सब में भर लिए हैं, सिर्फ डेक्ची में भरना बाकी है, ये भी अब भर ही जाएगा। अब चलते हैं फटाफट धोते हैं। देखिए सभी में पानी भर गया है, इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, अभी इधर भर रहे हैं। क्या जी? तो हम तो हाथ मुंह धो लिए दोस्तों, और सभी में पानी भी भर गया है, तो अब चलते हैं मशीन को बंद कर देते हैं, है ना जी? हाँ आ रहे हैं, चलते हैं फटाफट दौड़ते हुए, क्योंकि फालतू पानी बह रहा है, तो जल्दी से मशीन को बंद कर देते हैं। तो हम आ गए दोस्तों मशीन के पास, देखिए इधर मशीन चल रही है, और इधर है कनेक्शन, अब कनेक्शन छुड़ा देते हैं, दोनों तार छुड़ा दिए और मशीन भी बंद हो गई। अब चलते हैं फटाफट, पानी वगैरह अंदर घुसाते हैं और खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि पूरा शाम हो गया। तो हम आ गए दोस्तों, अब चलते हैं, पानी देखिए इधर भरा हुआ है, जल्दी से उठाते हैं और चलते हैं घर लेकर के। क्या जी? चलिए चलिए, एक साइड में पकड़िए, हम एक साइड पकड़ते हैं, घुसाए हैं, ये वाला नहीं घुसाना है, ढक देंगे। अच्छा यहीं पर रहेगा ये, हाँ तो ढक दीजिए। चलिए, और इधर देखिए दोस्तों, माँ भी राहर पूरा तोड़ ली है और अभी छेंच रही है दाना निकालने के लिए। क्या माँ? सिझाइएगा? अच्छा, इसलिए निकाल रहे हैं ना। हाँ, इसका दाल स्पेशल बनता है दोस्तों, ये सब छिलका हटा लेंगे, उसके बाद में इसको फिर बढ़िया से साफ करेंगे। देखिए कितना मस्त एकदम दाना है, पूरा लाल लाल। क्या माँ? तो आज के बुना है। तो इधर तो माँ अभी ढढ़ाई रही है दोस्तों राहर, तो अब चलते हैं, पैर हाथ धोए हुए तो ठंडा लग रहा है, अब आग वगैरह जलाते हैं और तापते हैं आगे। और इधर देखिए कविता जी आग भी जला लिए ना जी। चलिए, बड़ी जो ठंडा लगने लगा जी, पैर हाथ धोए ना, थोड़ा सून मार दिया। तो आग वगैरह तो सब जल ही गया है दोस्तों, चलते हैं सभी को आग वगैरह तापते हैं और खाना भी बनाते हैं, है ना जी? चलिए पिताजी भाई, हाँ, हाँ। आग तापिए, बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, तो अब अधन वगैरह चढ़ाते हैं दोस्तों चूल्हा में। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।